नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि मंडे के दिन हमारा निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए एंड क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों ये वाले वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के मंथली वीकली हो गया ऊपर से डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में कहाँ पे बैंक निफ्टी नेक्स्ट हफ्ते मूव कर सकता है, पूरे हफ्ते का किस तरफ मोमेंट रह सकता है, बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत स्पेशल वीडियो रहता है दोस्तों क्योंकि इस टाइप का कॉन्टेंट मैं बहुत कम बनाता हूँ। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट ज्वाइन नहीं किए, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों जो भी लेवल देता हूं ना फ्री में स्टूडेंट लोग आप देख सकते हैं 12,000 प्रॉफिट, 12,000 प्रॉफिट, 16,000 प्रॉफिट, 80,000 तक प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। आप लोग खुद जाके देखिए दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी फ्री में लेवल वगैरह सब कुछ ऑप्शन चेन का एनालिसिस वगैरह नहीं देता, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मंडे से और भी अच्छा मैं आपको डेफिनेटली लेवल वगैरह प्रोवाइड करूंगा फ्री में लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन एनालिसिस। और क्या चाहिए तो अभी के अभी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों ये वाले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, पिछले हफ्ते का आप जाके वीडियो देखिए, एक ही वीडियो मैंने बनाया था पहली बार 6 दिन पहले, क्लियर कट बोला था बड़े प्लेयर जो है वो बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे, फिबोनाची का एक रीजन बताया था, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। दोस्तों अगर झूठ बोल रहा हूं तो पिछले वाले वीडियो जाके देखिए, ओपन चैलेंज के साथ बताया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी यहां से ऊपर ही जाएगा और आप देख सकते हैं इस हफ्ते का मोमेंटम क्या रहा। लाइक रख रहे हैं वीडियो को तो यार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों अगले हफ्ते बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या हो सकता है, जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अब बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं, फोकस कीजिए। ट्रैपिंग पॉइंट में बताने वाला हूं कैसे रिटेलर ट्रैप होते हैं, कहां पे बड़े प्लेयर रिटेल को ट्रैप करके फंसा के चले जाते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों निफ्टी से, चलिए ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन मैं बोलता हूं वीडियो को पूरा देखिए, यहां पे भी मैं ओपन चैलेंज के साथ बोलूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहां जा सकता है अगले हफ्ते, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करते रहिए, ऐसे कॉन्टेंट चाहिए कमेंट कर लीजिए। सिंपल सी बात है दोस्तों निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर आप निफ्टी को देखो तो अगले हफ्ते जो हमने डिस्कस किया था निफ्टी कहां से बाउंस है, आप देखिए यहां पे आप देख सकते हैं एक क्लियर कट एक कंसोलिडेटिंग जोन था। आप देख सकते हैं यहां पे निफ्टी कम से कम 6 से 7 हफ्ता, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, निफ्टी 6 से 7 हफ्ता यहां पे टाइम स्पेंड किया था, इसके बाद एक अपसाइड का मूव दिया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला आया। तो सिंपल सी बात है यहां पे एक एम पैटर्न, यहां पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया। एक बात मैं आपको बताता हूं, इसको एक एडवांस पॉइंट आप सुनिए, आप लोग बहुत लोग आप देखते होंगे आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हैं, सपोर्ट बन गया ये समझ लीजिए रेजिस्टेंस, मार्केट ब्रेक करते हैं अरे 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 बाय करो बोलते हैं फिर नीचे चला आता है, आपने समझ लीजिए एक सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है क्लोजिंग देता है एक कैंडल आप सेल करते हैं, मार्केट बाउंस बैक कर देता है, और जो बाउंस बैक करता है ना दोस्तों आप लोग एक बार फंस गए तो फंस गए, उसके बाद मार्केट लौट के भी नीचे नहीं आता, कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। तो दोस्तों ट्रैपिंग में ही हदसे ज्यादा पैसा बनता है और यहां पे हुए हैं ट्रैप। मैं आपको कैसे बताता हूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये क्या बना, पूरे दुनिया को दिख गया कि यार एम पैटर्न बन गया, राइट। एम पैटर्न क्या है, सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, जो भी ये नेकलाइन होता है इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद तो मार्केट नीचे ही नीचे, इसको तो आजकल के बच्चे को भी पता है आप भी जानते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, जो पूरे दुनिया को दिखता है मार्केट में वो नहीं होता, क्योंकि अगर ये हो गया तो सारे लोग पैसा कमाएंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है बड़े प्लेयर कभी भी नहीं चाहते कि हर एक आदमी पैसा कमाए बोल के, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबको दिख गया कि यार ये तो एक एम पैटर्न बना और यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या था, एक नेकलाइन था, क्लियर कट देख सकते हैं ये एक नेकलाइन था और इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, चलो सेल मार दो अच्छा खासा भी नीचे गिर जाएगा। बट दोस्तों आप देख सकते हैं वहां से क्या हुआ, सेलर पहले बैंक निफ्टी ने लाइक निफ्टी ने दिखाया कि मैं नीचे आने वाला हूं, आप देख सकते हैं ये नेकलाइन भी था, ये एम पैटर्न भी था, सब तोड़ दिया, सब सिचुएशन दिखाया बड़े प्लेयर ने, बट उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा बड़ा दो ग्रीन कैंडल। तो यहां पे जितने लोगों ने भी सेल किया होगा, जितने लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर है सबका हिट हुआ होगा। तो आगे व्यू क्या है, सिंपल यहां से क्लियर हो गया, आपको क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों यहां पे क्या था, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था, राइट। आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्या किया, वीकली टाइम पे उसी रेजिस्टेंस को जोन को तोड़ा, अच्छा खासा निफ्टी ने अपसाइड का रन दिया, नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, बट दोस्तों यहां पे हो चुके हैं ट्रैप, क्योंकि ये जो नेकलाइन था ना इसको ब्रेक किया, बट अगर इसको सच में नीचे जाना था तो यहां से ये डाउनफॉल को कंटिन्यू करता, ये रुकता नहीं। बट दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी हमारा रेजिस्टेंस जोन था, अगेन इसी रेजिस्टेंस जोन यहां पे हमारा सपोर्ट की जैसा काम किया और यहां से देख सकते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी जो नेकलाइन को ब्रेक किया था, जो कि आपको बुक में पढ़ाया गया है, उसी नेकलाइन जो ब्रेक किया था, जो जोन था उसी जोन के ऊपर अगेन एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। तो दोस्तों यहां पे जिन लोगों ने भी सेल किया होगा यहां पे वो ट्रैप हुए होंगे और डेफिनेटली यहां से व्यू अगेन ऊपर की तरफ ही बनता है। और ऊपर से हमारे पास ये भी लाइक आप बोल सकते हैं लॉजिक है कि ये जो रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बना और यहां से ही ऊपर उछला, जो कि पिछले हफ्ते में बताया भी था, पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है इतना तक क्लियर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी हमारा लाइक 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है। निफ्टी
हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, 4 आवर टाइम फ्रेम भी एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। निफ्टी में एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, राइट, क्लियर कट आप देख सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन को निफ्टी आप देख सकते हैं, यहां पे रिस्पेक्ट किया, अच्छा खासा डाउनफॉल आया, फिर ऊपर गया आप देख सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन को अगेन टच किया और अच्छा खासा एक डाउनफॉल आया, राइट। इतना तक क्लियर हो गया कि निफ्टी का अभी भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी थोड़ा डाउनफॉल की आप बोल सकते हैं लाइक डाउन ट्रेंड है, बट पूरे नहीं है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक लेवल बन रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में 17,454 लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलना चालू करता है, ओपन चैलेंज के साथ 18,200 तक निफ्टी टच कर सकता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, निफ्टी जो है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, आप क्लियर कट देख सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी किया था, एक लाइक आइडेंटिफाई किया था, सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी पैटर्न क्रिएट कर रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो 17,454 का लेवल है, यही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हैं, एक बार, दो बार, ऑलरेडी तीन बार, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं एक बार, दो बार और तीन बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो सिंपल सी बात है, 17,454 के ऊपर अगर निकलता है तो 18,200 तक आप निफ्टी को टारगेट रख सकते हैं। कौन से, क्यों मैं टारगेट बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन है ये अभी तक नहीं टूटा, तो इसी ट्रेंड लाइन को निफ्टी टच कर सकता है। तो व्यू हमारा क्लियर हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, अगर 17,454 के ऊपर निकलता है तो 18,100-200 टच करने को आएगा। यहां से डिसाइड होगा कि यार ये नीचे चला आएगा या फिर 18,200 के ऊपर चला जाएगा। अगर ऊपर चला गया तो आपको समझ नहीं पाता, आपको 19,000 तक भी टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का जो स्पेस है ना 1700 पॉइंट का है, तो यहां से आप 1700 पॉइंट ऊपर भी निफ्टी को देख सकते हैं, बट 18,200 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो पहले टारगेट हमारा 18,200 रहेगा। सिंपल सी बात है, क्रिस्टल क्लियर व्यू हमारा बन गया। अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। देखिए बैंक निफ्टी भी बहुत ही आसान है, बहुत ही लाइक लॉजिकल बात है, पिछले हफ्ते ओपन चैलेंज के साथ मैंने क्या किया था, एक फिबोनाची का लेवल आपने ड्रॉ करके दिया था, राइट, आप लोग खुद देखेंगे, जो लोग वीडियो देखें लाइक करते रहिए, क्या बोला था कि 61% का गोल्डन लेवल है, यहां से बाउंस बैक करेगा। आप देख सकते हैं एक पिन बार कैंडल प्रॉपर डॉट टू डॉट बाउंस बैक किया, तो दोस्तों होप्स आपको लर्निंग अच्छा खासा मिला होगा। अब इस हफ्ते क्या हो सकता है, मंथली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं क्लियर कट बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था 32,000 के आसपास, आप देख सकते हैं, राइट, यहां से दो बार मार्केट गिरा था और बड़े फॉल दिया था, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अगेन सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी ऊपर गया, अगेन आया और जो सपोर्ट जोन था दोस्तों उसी सपोर्ट जोन को ही बैंक निफ्टी टच किया, फिबोनाची का गोल्डन लेवल को टच किया, एक पिन बार कैंडल आप देख सकते हैं, एक हार्मर कैंडल आप बोल सकते हैं बनाया, तो सिंपल सी बात है। और एक ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, क्लियर कट आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन को बार-बार टच करके अपना अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे यहां पे टच किया, ऊपर गया, फिर टच किया, ऊपर गया, फिर टच किया, ऊपर गया, तो तीन प्रूफ है हमारे पास कि ये जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट बना, फिबोनाची का गोल्डन लेवल ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, तो क्लियर कट बैंक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें बुलिश दिखा रहा है। अब चलिए देख लेते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी हमें क्या नजर आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखिए मिस मत कीजिए। क्लियर कट मैं आपको रीजन लॉजिक के साथ बताऊंगा कि कितना बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों 4 आवर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक ही चैनल के अंदर घूम रहा है, आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, आप देख सकते हैं जब भी इसी ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी जर्नी अपना चालू करता है, इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, नीचे आता है, अगेन इसी ट्रेंड लाइन को टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर रेजिस्टेंस लेता है, आप देख सकते हैं, फिर नीचे आता है, फिर टच किया, फिर नीचे आता है, अगेन अच्छा खासा नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आप देख सकते हैं अगेन बाउंस बैक किया। आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे इसी ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट की जैसा काम कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस की जैसा काम कर रहा है, तो पिक्चर क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी अभी एक चैनल पैटर्न में है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक इंटरेस्टिंग बात, देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी 4 आवर का टाइम फ्रेम में बहुत ही सिंपल स्वीट सा आप बोल सकते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। आप तो हेड एंड शोल्डर जानते होंगे, सिंपल सी बात है, हेड एंड शोल्डर ऐसे टाइप का बनता है और नेक लाइन ब्रेक करता है और अच्छा खासा नीचे आता है, जब ऊपर जाना होता है तो हमेशा हेड एंड शोल्डर इस टाइप का पैटर्न बनाता है, तो हम उसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, और ये नेक लाइन होता है, ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ऊपर जाता है। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, क्लियर कट आप देख सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड एंड ये हमारा राइट शोल्डर। तो सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 36,708, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलना चालू करता है ओपन चैलेंज के साथ 38,500 ट्रेन की जैसा सीधा आएगा, ऊपर टच करेगा। इसके रीजन क्या है, अभी मैंने आपको बताया यार दिख गया कि हाँ यार ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको बैंक निफ्टी अच्छे से फॉलो कर रहा है, और ये तो बन चुका है भाई एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऊपर से जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके
देखिए बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों नीचे की तरफ आप देख सकते हैं प्रेशर है, हमारे पास एविडेंस है कि यस ऊपर जा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है इसको टच किया, एक मार्क आपको मिल गया कि ओके ये लॉजिक है, फिबोनाची लॉजिक है, मंथली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट से उछला, ऊपर से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बस टूटने का इंतजार करना है 36,708 इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो 38,400 30,500 तक देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन है इसको आप मत भूलिए दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं ऑलरेडी 3 बार गिर चुका है, यहां पे डिसीजन होगा अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके रेड कैंडल बनाया हम यहां से सेलिंग का प्लान करेंगे, फिर इसी नेक लाइन तक आ सकता है 31,000 तक दोस्तों, अगर इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया ना आप समझ नहीं सकते और 4000 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का जो भी आप बोल सकते हैं लेंथ है अंदर का आप देख सकते हैं 4522, तो यहां से आप 4522 तक टारगेट देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यही ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है 38,500 के ऊपर का सस्टेन किया, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अभी मैंने आपको बताया तो ऊपर के रैली देखने को मिलेगा, इसको अगर टच किया तो नीचे का रैली देखने को मिलेगा। लॉजिक समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों तो लाइक कीजिए, अगर यकीन नहीं आ रहा है पिछले वाले हफ्ते का वीडियो देखिए, यहां पे भी रीजन लॉजिक बताया था मैंने, तो ये वाले वीडियो एक न्यू सीरीज में चालू करने वाला हूं, अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक करते रहिए, कमेंट कर लीजिए, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट पे जाके ज्वाइन हो जाइए, मंडे है कल, बिल्कुल मिस मत कीजिए, एंड अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारे प्यार दीजिए, उनका केयर कीजिए, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू, वीडियो को थैंक यू देखने के लिए, पूरे देखने के लिए तो दिल से थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू, टेक केयर, बाय एंड सी यू।